खबर आपको देंगे हुकूमत के यू टर्न पर पंजाब के वजीर हाउसिंग वजाहत देने लगे। मियां महमूद रशीद कहते हैं रुकावट हटाने के लिए प्रोग्राम बदलना यू टर्न नहीं होता। वजीर आजम ने 100 दिनों में सैकड़ों दिनों का काम किया। 100 सालों से लगे हुए जंग को धोने में वो 100 दिन तो लगने थे, वो लगे हैं इंशाल्लाह। और ये सिर्फ PHA ने ये फूल यहाँ पर नहीं महकाए, हर शोबा ज़िंदगी में इसी तरह की खुशबुएं आपको आएंगी। प्राइम मिनिस्टर साहब एक दो दिन बाद जो हमारा 100 रोज़ा प्लान था उसके हवाले से कौम से खिताब करेंगे। और सबसे बड़ा जो हमारा टास्क इस वक्त हमें जो दरपेश है कि हम इंस्टीट्यूशंस को बहाल करें, हम अदारों की कारकर्दगी को बेहतर करें, हम अदारों को काम करने का मौका दें, उन्हें फ्री हैंड दें। और इसके लिए जितने भी शोबा आए ज़िंदगी हैं उसमें तमाम मिनिस्टर्स ने, खा वो प्रोविंशियल कैबिनेट हो या सेंट्रल कैबिनेट हो, प्राइम मिनिस्टर साहब ने पिछले 100 दिनों में मेरा ख्याल है सैकड़ों मीटिंग्स की हैं। इसकी शायद अगर पाकिस्तान की तारीख में मिसाल नहीं मिलती कि इतने कम वक्त में किसी प्राइम मिनिस्टर ने इस कदर ज़्यादा वो मेहनत की हो। और जिस तरह उन्होंने मेहनत की है, इंशाल्लाह हमने एक रोड मैप बना लिया है हर डिपार्टमेंट का, वो हाउसिंग हो, वो पीने का साफ पानी हो, वो करप्शन का खात्मा हो, हर शोबे के अंदर हमारी तमाम एक्टिविटीज़ का मेन मरकज और महवर ये है कि आम आदमी को किस तरह से हम फैसिलिटेट कर सकते हैं, उनके मसाइल किस तरह से जल्द हल हो सकते हैं, उनकी ज़िंदगी में मुश्किलात को